गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम वंस अगेन इन द शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन क्लासेस. स्टूडेंट्स इन द प्रीवियस वीडियो आई फिनिश द एक्सरसाइज 2.3 बेस्ड ऑन फंक्शन. नाउ स्टूडेंट्स इन माय दिस वीडियो आई विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ फंक्शन. सो स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ फंक्शन students there are several type of functions. Here I discuss some important function based on your 11th class syllabus. So students the first function is 1111 or injective mapping. Injective mapping और फंक्शन. सो स्टूडेंट व्हाट इज 1-1 और इंजेक्टिव मैपिंग. अ मैपिंग एफ मैपिंग यू कैन से मैपिंग और यू कैन आल्सो से फंक्शन. अ मैपिंग एफ सच दैट सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड 1-1 और इंजेक्टिव इफ फॉर ऑल डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए there are different images in B. So students अगर आप किसी भी set में different images different point दे रहे हैं हमारे पास right this is x1 x2 x3 x4 here f(x1) f(x2) f(x3) this point if then we call the function is 1. Now method of testing 1-1 function. किसी भी फंक्शन को 1-1 कैसे टेस्ट करते हैं कि 1-1 है या 1-1 है. If fx1 equal to fx2 if there implies x1 equal to x2 then we call if image is equal to wo elements jo hai domain elements jo bhi same hai aur otherwise if x1 not equal to x2 then implies fx1 not equal to fx2 or all x1 x2 belongs to A domain A. So the x1 x2 different then we will be different when the students this is so x1 x1 x2 x2 x3 स्टूडेंट दिस इज 1-1 एरो का काम है. कोई डिफरेंट है कोई भी ऐसा नहीं कि जो है एक एक ये दो पॉइंट की इमेज एक ही जगह पर जाकर के या एक ही इस तरीके से एक ही जगह पर बन रही हो. तो स्टूडेंट इस टाइप का जो हमारे पास मैपिंग होती है वो 1-1 कहलाती है. स्टूडेंट्स अब एक चीज और स्टूडेंट्स वन मोर थिंग देयर इज if there is 1 2 3 4 6 7 then this is also 1-1 because yahan par different value ki different jagah par ban rahi hai similar values nahi ban rahi hai 1-1 hai ek par ek ja rahi hai is tarike se
जो होती है वो 1 टू 1 इमेज होती है। इस तरीके से आप ये 1-1 इमेज या 1-1 फंक्शन होते हैं। इसी को स्ट्रेट्स इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन। तो दिस इज द हाउ यू इवैल्यूएट इफ इमेजेस आर सेम देन वैल्यूज ऑफ डोमेन इज आर इक्वल टू x1 इक्वल टू x2 देयर इज लाइक इफ x1 इक्वल टू x2 अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो फंक्शन परफॉर्म होगा। या फिर अगर डिफरेंट एलिमेंट लेके चलते हैं और उनकी इमेज भी डिफरेंट आती है तो हमारे पास x1 की x1 नाम इक्वल टू x2 x1 x2 डिफरेंट है देन उनकी इमेज भी डिफरेंट होगी। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू k हर एक एलिमेंट जो कि डोमेन में है उसके लिए। नाउ स्टूडेंट्स ग्राफिकली भी आप अपना चेक करने का क्या मेथड है मेथड ऑफ चेक ऑफ फंक्शन टू बी वन ग्राफिकली स्टूडेंट्स ग्राफिकली कैसे आप जो है किसी फंक्शन को बार बार चेक कर सकते हैं। तो अगर कोई भी फंक्शन गिवन है एनी फंक्शन इज गिवन दैट दिस इज अ फंक्शन दैट दिस इज अ y इक्वल टू fx अब हमको ये चेक करना है कि फंक्शन 1 1 है इसके लिए क्या करना है। अगर हम एक ड्रॉ करें लाइन पैरेलल टू x एक्सिस दैट दिस इज x एक्सिस इफ वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस दिस इज अ लाइन l अगर कोई लाइन पैरेलल x एक्सिस के हम ड्रा करें और वो लाइन जो है उसका वो एट मोस्ट 1 पॉइंट पर कट करती है ज्यादा से ज्यादा एक पॉइंट पर कट करे अगर उस कर्व को तो जो कर्व या फंक्शन दिया होता है वो 1 होगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं एक ही जगह पर यहां कट कर रहा है। सो इफ एनी फंक्शन इफ एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस cuts given function at most 1 point then function is 1 then function is 1 तब तो function होता है क्या होता है students वो 1-1 function होता है। तो students now I clear what is 1-1 function and how you check the The given function is 1-1 also analytically and also graphically. मैंने आपको analysis method से बता दिया कि अगर x1 is not equal to x2, then if x1 not equal to fx2 or otherwise if x1 equal to fx2, then implies x1 equal to x2. आपको मेरे डायग्राम से बता दिया किस टाइप का फंक्शन 1-1 होता है 1-2-1 एक पर एक पेज बननी चाहिए then we got this is a 1-1 function or injective function. Now students टोटल नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन टोटल नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी If f is a, if f such that a to b is any function and domain a, this is the domain, this is the codomain, and domain a have m elements and codomain b have B has n elements. Then total number of 1-1 functions or total number of injections 1-1 functions is equal to n p n. B means permutation. शुरू से अभी आ गया permutation पढ़ेंगे लेकिन मैं आपको आप थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हो जाएंगे ए सी बी में 1-1 फंक्शन टोटल नंबर
n n is greater than equal to n. जब n या तो n से बड़े हो, ज्यादा अल्फा करता हो, n और या फिर n जो है n के इक्वल, तब ये इतने जो हमारे पास बनेंगे और जीरो या फिर जीरो बनेंगे n n is less than. और अगर n n से कम है तो कोई भी वर्णन फंक्शन नहीं बनेंगे. और अदरवाइज अब स्टूडेंट्स इसको हम लोग ओपन कैसे करते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है इसको हम एक्सपेंड करते हैं, इसका जब फार्मूला लगाते हैं स्टूडेंट, इसका फार्मूला हो जाएगा n ना n माइनस वन देन n माइनस टू और सो ऑन चलता जाएगा स्टूडेंट. तो लास्ट पॉइंट होगा n माइनस n माइनस सब मल्टीप्लाई करो, ये इसकी एक जो जेड वैल्यू है. तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनेंगे वेन n is greater than equal to n और 0 बनेंगे या तो फिर when n is n पे अपने का हमारा प्रिडिक्ट करता है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने फाइंड आउट. तो अगर स्टूडेंट्स आपको टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पूछे कभी भी तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे, चेक करेंगे n अपना लेस देन ग्रेटर देन चेक करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लेंगे तो आप ये पता चल जाएगा कि कितने टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फाइंड आउट. Now students, many one function students, जैसे कि name से स्पष्ट है, what is many one function? Let x such that a to b is a function or point. Then f such that a to b is a function or mapping. Then f is called many one mapping if for all if two different values of A have same image, two or more than two, elements of A have same image in B. So students, the function is called many one mapping if two or more than one element of domain A have same images in B. So students, देखते हैं यहाँ पर x1, x2, x3, x4 और इस तरह and there is y1, y2, y3. अब यहाँ पर x1 की इमेज में जा रही है, x2 की इमेज में जा रही है, x3 की इमेज में. तो दिस टाइप ऑफ मैपिंग इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन. जब इसके जा रही है दिस टाइप ऑफ मैपिंग इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन. सिंस x1 और x2 की एक ही जगह पे जा रही है, x1 x2 इज टू और मोर देन वन, दिस मैपिंग इज कॉल्ड मैनी वन. इस टाइप की मैपिंग इसमें की डोमेन के टू और मोर देन टू डिफरेंट एलिमेंट्स इवन एक ही जगह पर जाकर बन रही हो, एक ही जगह पर जाकर सेम इमेज पर बन रहा हो, तो ऐसे को बोलो मैनी वन मैपिंग है. मेथड ऑफ टेस्टिंग मैनी वन फंक्शन, मेथड ऑफ टेस्टिंग मैनी वन फंक्शन. कैसे किसी फंक्शन को मैनी वन टेस्ट किया जाता है, उसके लिए लेट any x1 comma x2 belongs to A such that
x1 not equal to x2, then reply is fx1 equal to fx2. x1 x2 different है, x1 x2 domain के दो elements हैं, कोई भी दो elements हैं, ये सब है. x1 not equal to x2, if x1 not equal to x2, then reply is fx1 equal to fx2, then we call that f is binary. ये स्टूडेंट चेक करने का एक मेथड है, एनालिटिकल मेथड है, या कैसे किसी फंक्शन को गिवन फंक्शन को मिनिमम चेक करेंगे एनालिटिकली. दिस इज द नाउ ग्राफिकली आप कैसे चेक करेंगे इसको स्टूडेंट्स. और ये इसका डायग्राम का स्टाइल पीरियोडिक बनता है, क्योंकि यहां पर हो जाते हैं डोमेन ए के मोर देन 2 और 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स ऐसे हो जो एक ही जगह पे बन रही हो इसकी. तो ऐसे मैंने बनाया है साफ साफ दिख रहा है कि ए की माइनर एलिमेंट्स की में एक ही जगह बन रही है, तो फिर ये माइनर एलिमेंट. n to the power क्या है? n क्या होता है? n to the power जो है वो a से भी मतलब जितने भी functions बन सकते हैं उन सब का number है.
अगर केस ए में एम एलिमेंट हो और ए बी में एन एलिमेंट हो तो केस ए में टोटल नंबर आप जितने फंक्शन बनेंगे वन वैल्यू जितने फंक्शन बनेंगे होते हैं, अब उसमें से वन वन वाले माइनस कर देंगे तो वन माइनस एम टी फॉर एन इज ग्रेटर देन व्हेन एन इज ग्रेटर देन व्हेन एन इज ग्रेटर देन इक्वल और इसी के नंबर जीरो बनेंगे। अब इसी में नंबर जो हमारे पास स्टूडेंट्स हो जाएंगे वो शुड बी इक्वल टू जीरो हो जाएंगे, सॉरी एन टू दी पावर एम हो जाएंगे, एन टू दी पावर एम इफ एन इज लेस देन। This is the total number of many one matrix. So many one matrix, n to the power m minus bm, when n is greater than equal to m, when n is less than m, then n to the power. These are the total number of many one matrix. Now students, there are more functions, some functions are the topic of second year class. Now some basic knowledge I have given about the function third is on to function. What is on to function? I am going to show you class one to listen. What is on to function? This A, this is B, that is a matrix such that A to B is called onto if for every x belongs to A, there is always unique imaging B. मतलब यहाँ पर को डोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं ऐसा होना चाहिए जिसकी इमेज को जो किसी की भी इमेज अब मैपिंग सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन image of any element of A, मतलब B का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी एक एलिमेंट की इमेज जरूर, मतलब ऐसा कुछ ना हो कि B में ऐसा कोई एलिमेंट ऐसा ना छूट जाए जो किसी की भी इमेज ना हो। इस टाइप का फंक्शन होता है onto function। onto function होने के लिए जरूरी है कि हमारे पास रेंज इक्वल टू जो आना चाहिए को डोमेन, तो जब रेंज को डोमेन इक्वल आता है तो हमारे पास सारे एलिमेंट्स की इमेज बनेगी। तो रेंज क्या होता है, रेंज आप सेट ऑफ ऑल इमेजेस और जब सभी एलिमेंट्स कोई ना कोई इमेज तो होगा किसी किसी एलिमेंट्स का, तो वो रेंज हो जाएगा तो को डोमेन से इक्वल हो जाएगा। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ onto function। तो आप ये समझ गए होंगे दैट्स लाइक इफ अ क्लास है 30 स्टूडेंट्स एंड देयर आर 25 सीट्स टू सीट द स्टूडेंट्स, सो सम सीट्स आर ऑल द स्टूडेंट्स आर सीटेड इन द सीट एंड सम स्टूडेंट्स रिमेनिंग स्टैंड अप। बट अब हमारे पास जो स्टूडेंट का सेट होगा मान लीजिए वो ए है डोमेन है और जो सीट का सेट है वो क्या है को डोमेन है। तो जब डोमेन के सभी एलिमेंट्स भी होने चाहिए सभी स्टूडेंट सारे उसमें बैठने चाहिए, तो क्या होगा कभी कभी एक ही सीट पर दो दो बच्चे भी बैठ करके हम उसको सारे बच्चों को एडजस्ट कर देंगे। जब हम सारे बच्चों को एडजस्ट कर देंगे और कोई भी सीट ऐसी ना हो जिस पर कोई भी स्टूडेंट ना बैठा हो तो सारी सीटों पर स्टूडेंट बैठे होने चाहिए, भले ही एक सीट पर दो स्टूडेंट बैठे हों, ऐसा जो कंडीशन आती है उसको हम क्या बोलते हैं ऑनटू मैपिंग बोलते हैं। बच्चों आप समझ गए ऑनटू मैपिंग क्या होता है। ऑनटू मैपिंग ये होता है कि सभी जो हमारे पास को डोमेन होता है डोमेन के एलिमेंट सारे एलिमेंट्स किसी न किसी डोमेन किसी न किसी एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए।
ऐसा कोई यूनिवर्सिटी ना छूट जाए जिस पर इमेज ना हो। तो इस तरीके से हम लोग ऑनलाइन करेंगे। सो सिमिलरली स्टूडेंट्स, इनटू मैपिंग में क्या होता है, इनटू मैपिंग में अगर हमारे पास सीट्स ज्यादा है और स्टूडेंट कम है, दैट्स लाइक देयर इज 35 सीट्स एंड देयर इज ओनली 30 स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, हर एक सीट पर आप स्टूडेंट्स आसानी से बैठ सकते हैं और फिर भी 5 सीटें आपकी वैकेंट रह जाएंगी जिस पर कोई भी स्टूडेंट नहीं बैठेगा। तो ऐसे कंडीशन में इस टाइप की जो मैपिंग होती है, इसका मतलब रेंज पूरी की पूरी कोडोमेन की कॉल नहीं आ रही, कोडोमेन में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो उसकी इमेज नहीं बन पा रही है। तो ऐसा जो हमारे पास फंक्शन होगा उसको हम इनटू मैपिंग बोलेंगे। सो व्हाट इज इनटू मैपिंग, तो स्टूडेंट्स ये जो हमने थोड़ा समझाने के इनटू मैपिंग क्या होती है, इसको मैं शॉर्ट में आप लोगों को समझाते हैं व्हाट इज इनटू मैपिंग। इनटू मैपिंग में लाइक लाइक दिस, यहां पर कुछ एलिमेंट्स हैं, यहां पर भी कुछ एलिमेंट्स हैं, तो इसकी इमेज यहां पर, 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 कुछ यहां ऐसे एलिमेंट्स छूट जाएंगे किसी भी, इसके तो हर एक पॉइंट इसका हर एक एलिमेंट की इमेज इसमें बननी चाहिए, इसके कोई भी अगर छूट गया तो फंक्शन ही नहीं है। तो स्टूडेंट इसके सारे एलिमेंट्स का हमारे पास यहाँ पर इमेज बनी, और जब इमेज बनी कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर ऐसे भी छूट गए जो किसी भी पॉइंट की इमेज नहीं है, तो ये हमारे पास ऑन इनटू मैपिंग। इस कंडीशन में जो इनटू मैपिंग होती है, इनटू मैपिंग क्या होती है, जो रेंज बनता है, रेंज का मतलब ये से बनता है 4 पॉइंट्स का, तो इनटू मैपिंग, इन इनटू मैपिंग रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो जो इनटू मैपिंग होती है वो उसमें हमेशा रेंज जो होता है वो कोडोमेन का सबसेट होता है, रेंज जो बनता है वो कुछ ना कुछ एलिमेंट ऐसे जो दिखते हैं जिसमें कोई नहीं बनती है। तो आप समझ गए बच्चों, व्हाट इज इनटू मैपिंग, व्हाट इज एनीवन मैपिंग, व्हाट इज ऑनटू मैपिंग एंड व्हाट इज इनटू मैपिंग। नाउ स्टूडेंट्स, सम स्टैंडर्ड रियल फंक्शंस एंड रियल ग्राफ। सम स्टैंडर्ड रियल फंक्शन एंड रियल ग्राफ, यहां बच्चों कुछ स्टैंडर्ड जो है फंक्शन है, दैट्स लाइक फर्स्ट कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट, तो नाम से स्पष्ट है कांस्टेंट फंक्शन, जो फंक्शन बिल्कुल कांस्टेंट हो, कहीं भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा हो, कांस्टेंट। तो इसका क्या है, देखते हैं स्टूडेंट्स, इज एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एक्स, तो अगर कोई कंप्यूटर लेट्स लाइक दिस, दिस इज अ फंक्शन एफ एक्स इक्वल सी, दिस इज डिस्टेंस इज सी, सो दिस इज सी एंड दिस इज वाई डिस्टेंस, सो वाई आल्सो एक्स, y equal to x equal to c. So here you can say because this function of this line remains constant, that is going from origin, that is distance c. This type of function जो होगा हमारे पास वो constant function कहा जाएगा। So students, this is called, this point is 0, c. So this type of function is called, let c be any number and then a function fx y equal to fx equal to c is called constant function if all x belongs to real number fx is equal to this c. तो अगर x हर एक x जो रियल नंबर को बिलोंग करेगा उसके लिए अगर fx हमेशा c के इक्वल ही रहे, कोई भी अगर x को वैल्यू रखते हैं आप कुछ भी रखते हैं ये कांस्टेंट है, तो इस टाइप का फंक्शन होगा, वो कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा, इसे कांस्टेंट इस फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन का इस टाइप का लाइक एस लाइक एग्जांपल देते हैं, जैसे fx = 4, fx = 4 अब x की आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो वैल्यू जो हमारे पास fx की वैल्यू बनेगी वो हमारे पास होगी नहीं, इस टाइप का फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन होता है, ये इसका ग्राफ है।
So students, this constant function, domain of constant function. So domain of constant function. So constant function का domain क्या हो जाएगा? Domain of constant function is equal to R and range of constant function. Range क्या हो रहा है? यहाँ पर range होगी. तो range क्या होगा? Range इस condition को सी रहेगी ऐसा. तो range होगी constant function को क्या हो जाएगा? सी. इस तरीके से ये हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन होता है. नाउ स्टूडेंट्स आइडेंटिटी फंक्शन. सेकंड आइडेंटिटी फंक्शन. सो स्टूडेंट व्हाट इज आइडेंटिटी फंक्शन? The function which associate a function which associates every member of each real ring, each real number x to itself, each real number x to the same number x is called identity function. For example, if you get y equal to fx equal to x. So students, y equal to fx equal to x. So y equal to x कहाँ से पास होती है? और जिससे पास होती है? और ये हमारे पास इस टाइप से इसका 45 डिग्री बनता है. ये y equal to fx equal to x है. इस टाइप का कोई फंक्शन कहा जाएगा. क्योंकि अगर हम बन रहते हैं तो यहाँ पर x की वैल्यू वन रखते हैं रियल नंबर से तो फिर यहाँ पर y की वैल्यू भी वन आएगी. x की वैल्यू टू रखते हैं तो y की वैल्यू टू आएगी. x की वैल्यू थ्री पुट करते हैं तो y की वैल्यू यू गेट थ्री. सो स्टूडेंट्स दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन. n इज डिनोटेड बाय ix. सो ix इक्वल टू fx इक्वल टू x फॉर ऑल x belongs to real number. So students, इस कंडीशन में हमारे पास जो डोमेन क्या हो गया? डोमेन हमारे पास दिया हुआ है क्या? डोमेन ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन डोमेन ऑफ है. इस कंडीशन में जो डोमेन होगा इस फंक्शन का आइडेंटिटी फंक्शन चेक करने के बाद भी डोमेन आएगा. डोमेन क्या होगा? डोमेन हमारा होगा रियल नंबर्स का सेट. नहीं सकते और जो x के ऊपर रखते हैं वही हमारे पास उसका रेंज आता है. तो रेंज भी इसका रियल नंबर होता है. सो रेंज क्या होता है? सो रेंज ऑफ x इज इक्वल टू. तो आपको समझ में आया आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन इसी टाइप का होता है कि हमारे पास y = fx = x, fx = 2x, fx = 3x, इस टाइप का कुछ भी. मतलब जिसमें कि हम लोग x एवरी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर x और डोमेन x व्हिच एसोसिएट सेम नंबर x इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फंक्शन. दिस इज द ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन. Now students, linear function. Linear function. If small a and small b any real number then the linear function is defined as y is equal to fx equal to ax plus b. इस टाइप का जो भी फंक्शन होता है वो हमारे पास
लीनियर फंक्शन कहलाता है दिस इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन और डिफाइनेशन ऑफ लीनियर लीनियर फंक्शन अब आप जानते हैं लीनियर फंक्शन या लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है स्ट्रेट लाइन होता है तो स्ट्रेट लाइन हमारे पास डिपेंड करता है कि ये किस डिफरेंस 0 है या जैसे 0 या बी डिफरेंस है तो उसके अकॉर्डिंग ग्राफ के कैसे हो सकते हैं लाइन आपकी ऐसे भी आ सकती है दिस इज आल्सो लीनियर फंक्शन दिस इज आल्सो आपका ग्राफ इस टाइप से भी जा सकता है दिस इज आल्सो लीनियर फंक्शन स्टूडेंट्स ठीक है ये हमारे पास लीनियर फंक्शन के ग्राफ होते हैं ये डिपेंड करता है ए और बी की वैल्यूज पर ठीक है तो ए और बी की जिस टाइप से वैल्यूज होंगी उसी टाइप से हमारे पास उसका ग्राफ बनेगा तो इस स्टूडेंट्स लीनियर फंक्शन का ग्राफ इस टाइप से हमारे पास बनता है ये इसका तो अब डोमेन भी इसका रियल नंबर्स हो गया और रेंज भी इसका क्या हो जाएगा डोमेन और रेंज दोनों भी रियल नंबर्स ही आएंगे तो डोमेन ऑफ फंक्शन दिस फंक्शन इज इक्वल टू रियल नंबर्स एंड रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू रियल नंबर्स सो स्टूडेंट्स दीज आर Good morning students and welcome once again. Now, next is quadratic function. Quadratic function. Quadratic function is a function f such that a to b is called quadratic function if function is defined as y equal to fx equal to ax square plus bx plus c where a not equal to 0 and a b c belongs to real so students this type of function होगा इस form का जो भी function होगा वो हमारे पास quadratic function कहलाएगा ax square plus bx plus c अब students अगर इसको हम थोड़ा सा solve करें एक common लेकर के इसको जो है कंप्लीट स्क्वायर करना है इसको इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग प्लस 4ac माइनस b स्क्वायर ऑन 4 तो ऐसे करके सॉल्व करके ये फाइंड आउट हो जाएगा अब ये हमारे पास इसकी ये पैराबोला में जरूरत है क्योंकि पैराबोला का क्या कंडीशन होती है पैराबोला में एक पावर x की सेकंड डिग्री में होती है हाईएस्ट और एक होती है यहां y लीनियर है और x सेकंड डिग्री में ये पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है ये तो कांस्टेंट है तो भाई अगर यहां x और y के तो y का एक एक पावर में है और ये x और x डिफरेंट नंबर पावर में से है तो ये एक पैराबोला रिप्रेजेंट करता है दिस रिप्रेजेंट पैराबोला हमेशा क्वाड्रेटिक जो हमारे पास फंक्शन होगा पैराबोला दिस रिप्रेजेंट पैराबोला अब स्टूडेंट्स पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है अब इसमें हमको इस a पर डिपेंड करता है कि पैराबोला डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा इफ a is greater than 0 then parabola is upward that is just like this इस टाइप से हमारा इसका पैराबोला अब ये कैसे कि ये तो ये डिपेंड करता है कहां से पास होगा इसका वैसे इस सब कॉन्टेक्स्ट जो है वर्टेक्स जो है इसमें वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला is equal to minus b upon 2a comma 4ac minus b square upon 4a this is the vertex of the this is upward so if a is greater than 0 a pe depend karta hai if a second if a is less than 0 if a is less than 0 then parabola is downward function तो ये हमारे पास downward function स्टूडेंट्स अब स्टूडेंट्स इस टाइप का हमारे पास पैराबोला
सबसे एक होता है कि ये अगर हम लोग पैराबोला के फंक्शन होता है जैसे पैराबोला रिप्रेजेंट करता है और इफ ए इज ग्रेटर देन 0 तो ये हमेशा अपवर्ड बनता है, इफ ए इज लेस देन 0 ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लेस देन 0 तो डाउनवर्ड बनता है। अब जो हमारे पास इस कंडीशन में इफ ए इज ग्रेटर देन 0 देन डोमेन जो होगा वो हमेशा हाथ होगा, डोमेन रियल नंबर नहीं होगा, दोनों कंडीशन में डोमेन बाहर होगा, रेंज जीरो होगी इस कंडीशन में, वो रेंज हो जाएगी हमारे पास स्टूडेंट्स 4ac माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a टू इनफाइनाइट, दिस इज द रेंज। अब स्टूडेंट्स कभी भी एक जीरो नहीं बस सी हो सकता बी जीरो, अगर सी और बी जीरो हो जाए इस कंडीशन में सी और बी जीरो हो जाते हैं तो बी पूरा जीरो से जीरो से इनफाइनाइट इसकी रेंज जाएगी। एक्चुअली ये होता है हमारे पास वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हमारे पास ये ग्राफ का हाइट है, तो ये हमारे पास ये इसकी रेंज होती है। अब इफ ए इज लेस देन 0 अब अगर ए लेस देन 0 होगा स्टूडेंट्स इफ ए लेस देन 0 तो इसकी हमारे पास जो रेंज आएगी डोमेन आएगा डोमेन हमारे पास हो जाएगा रियल नंबर ही है क्योंकि x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं यहां पर, और रेंज जो हो जाएगा तो रेंज हो जाएगी माइनस इनफाइनाइट टू 4ac अपॉन माइनस b स्क्वायर अपॉन 4 क्लोज। तो ये हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, मेन क्या होता है क्वाड्रेटिक फंक्शन इस टाइप के फॉर्म का होता है, इस फॉर्म का कोई भी अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा where coefficient of x square not equal to 0, a not equal to 0 and a b c are real numbers. So, अब हमारे पास एक a, a को depend करता है, a is greater than 0, तो हमारे पास जो उसका figure बनेगा मैं आपको बताता हूँ, upward होगा और जो downward होगा आपको a is less than, जो main of range a is this is the quadratic function. Now students, power function, sorry polynomial function, polynomial function, a function f such that real number to real number defined as fx equal a naught plus a1 x plus a2 x square plus dot 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 plus an xn is called where a not equal to 0 is called polynomial function. इस टाइप का जो भी फंक्शन होगा इस फॉर्म का जो भी फंक्शन होगा वो पॉलीनोमियल फंक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल y = f(x) = x² + x + 1 दिस इज पॉलीनोमियल फंक्शन इज अ पॉलीनोमियल ये इस फॉर्म में बन रहा हुआ है हमारे पास इस पॉलीनोमियल फंक्शन। तो इसका जो डोमेन आएगा डोमेन ऑफ पॉलीनोमियल फंक्शन सो डोमेन ऑफ पॉलीनोमियल फंक्शन even a function fx is called even function if we put minus x in place of x in function and we find same function fx in f minus x equal to fx then
फंक्शन इज कॉल्ड एफ एक्स इज कॉल्ड इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन की कंडीशन ये होती है, क्या फंक्शन इवन, कौन सा फंक्शन इवन होता है, अगर किसी फंक्शन में एक्स के प्लेस पे अगर माइनस एक्स पुट कर दे स्टूडेंट तो फंक्शन सेम रहे वो इवन फंक्शन होता है। सिमिलरली ऑड फंक्शन, तो ऑड फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, अब फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड ऑड फंक्शन if f of minus x is equal to minus f x। अगर किसी फंक्शन में x की प्लेस पर minus x कर दें और minus f x रहे, फंक्शन निगेटिव हो जाए तो उसको और फंक्शन कहेंगे। तो इसका एग्जांपल ऐड कर लेते हैं, जैसे इस तरह एग्जांपल लेते हैं हम लोग, f x equals sin x, यहाँ पर x के लिए minus x रखेंगे, this gives sin minus x, sin minus theta is minus sin x, so this is अगर cos x रखेंगे cos minus x and cos minus x equals to cos x, so this function f minus x is equal to positive f x, then this is even function। और इसका एग्जांपल भी दे देते हैं, इसका एग्जांपल क्या है, f x equal to sin x, यहाँ पर अगर हमें x के प्लेस पर minus x रखें then it becomes sin minus x, then minus sin x
1 एंड 0 n की वैल्यू 1 और 0 नहीं है क्योंकि 1 हो जाएगा तो फिर हमारे पास एक लीनियर फंक्शन हो जाएगा और 0 हो जाएगा तो ये हमारे पास जो की पावर सकते हैं कि 0 कांस्टेंट फंक्शन है तो ये हमारे पास जो कंडीशन है कि 1 और 0 1 और 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए इसका डोमेन ऑफ रेंज जो होगा वो डिपेंड करेगा कि n क्या है ये n पे डिपेंड करेगा किसका इस फंक्शन का या पावर फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होगा तो यहां पर आप ये सोच लीजिए द डोमेन एंड रेंज डिपेंड्स ऑन n डोमेन एंड रेंज depends on n so first is first and n is given in D in detail that is the function is like this function is function r y effects are x square x power 4 over 26 इस टाइप के फंक्शन होंगे जो पैरामीटर फॉर्म में हो रहे हैं इसका जो हमारे पास ग्राफ बनेगा स्टूडेंट्स तो इसका ग्राफ मान लीजिए इस तरीके से फाइंड होगा इस टाइप से हमारे पास ग्राफ हो उसका फाइंड आउट होगा व्हेन n इज पॉजिटिव यहां पर n इज पॉजिटिव n इज पॉजिटिव इवन इंटीजर और इवन पॉजिटिव सॉरी इवन पॉजिटिव positive integer is even positive integer is even positive integer हमारे पास ये इस टाइप से हमारे पास का ग्राफ फाइंड आउट होगा पैराबोलिक होगा इस कंडीशन में सो डोमेन क्या हो जाएगा सो डोमेन यहां पर कुछ भी वैल्यू आप ले सकते हैं यहां पर देखिए कोई भी वैल्यू लेके यहां पर आउट कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स सो डोमेन ऑफ x डोमेन ऑफ fx इज इक्वल टू रियल नंबर लेकिन रेंज हमारे पास रेंज देखो बच्चों अपवर्ड डायरेक्शन में बन रही 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक जा रही है इसमें सो रेंज जो हो जाएगी रेंज इज ऑफ f इज इक्वल टू 0 टू 0 टू इनफाइनाइट सो दिस इज द रेंज ऑफ f n इज इवन पॉजिटिव कोई फंक्शन इस टाइप का होगा हमारे पास इसका रेंज और डोमेन है वो ये Now, इस पे n पे डिपेंड करता है क्या कंडीशन के अकॉर्डिंग नाउ केस सेकंड नाउ स्टूडेंट के सेकंड में क्या हो जाएगा सो केस सेकंड ऑफ स्टूडेंट्स केस सेकंड व्हेन n इज ऑन पॉजिटिव पॉजिटिव तो बच्चों जब n ऑड पॉसिबल दैट्स लाइक y इक्वल टू fx इक्वल टू यहां पर ऑड रखने में लेकिन मान लिया जाए 3 x की पावर 5 बराबर इस टाइप का फंक्शन तब बच्चों ये इस टाइप का फंक्शन होगा तब हमारे पास जो ग्राफ बनेगा इसका वो ग्राफ हो ग्राफ जो बनेगा वो इस टाइप से दिस इज अ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x क्यूब प्लस समथिंग लाइक दिस ठीक है स्टूडेंट्स यहां पर ऑड रखा गया है इस टाइप से ग्राफ बन जाएगा तो यहां पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि जो इसका डोमेन है वो डोमेन कहां से कहां तक लाइन कर रहा है तो डोमेन तो हमारा पूरा का पूरा रियल नंबर ही होगा तो डोमेन इज दिस कंडीशन डोमेन इज डोमेन ऑफ f इक्वल टू रियल ये नंबर क्योंकि यहां पर x की पॉजिटिव भी मिल रही है x पॉजिटिव तरफ भी जा सकता है और नेगेटिव तरफ भी जा रहा है x और y भी हमारे पास पूरा का पूरा पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है तो डोमेन एंड रेंज ऑफ से रेंज ऑफ f इक्वल टू तो ये हमारे पास इस कंडीशन में डोमेन और रेंज दोनों के दोनों वो स्टूडेंट सेम होंगे तो ये हमारे पास केस रिप्रेजेंट करता है अब कभी भी Now when case third, then n is negative or negative even even that's like n equal to minus 2 minus 4 so function kya ho jayega that is y equal to fx equal x to the power
माइनस टू एक्स टू दावा माइनस फोर एक्स है। तो इस कंडीशन में बच्चों हमारे पास जो उसका ग्राफ क्रिएट होगा वो हमारे पास कैसा हो जाएगा, वो हमारे पास ऐसा कि इस टाइप से हमारे पास ग्राफ क्रिएट होंगे, जस्ट लाइक दिस। इस टाइप से हमारे पास ग्राफ क्रिएट। तो इसमें हमारे एक्स जो हमारे पास है पॉजिटिव नेगेटिव इवन इंटीजर्स आर। अब ये हमारे पास एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, हमारे पास पावर फोर लिख सकते हैं। हमारे पास तो वहां से आप देख रहे हैं कि जीरो को छोड़कर, क्योंकि ये कहीं एक्स एक्सिस ऊपर नहीं कर रहे हैं, तो जीरो को छोड़ करके बाकी पर ये नंबर एक्स दे सकता है। एक्स कैन टेक एवरी वैल्यू एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि जीरो इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस को कहीं पर नहीं कर, तो फिर जीरो वैल्यू नहीं दे रहा है। तो डोमेन ऑफ f in this case, domain of f in this case, this case में domain होगा, वो हमारे पास हो जाएगा r minus 16, zero को छोड़ करके कोई भी वैल्यू दे सकता है। और जो range हो जाएगा, so students range इसमें क्या हो जाएगा, range इसमें zero से infinite, ऊपर की तरफ ही है, x-axis के above भी है, नीचे की तरफ नहीं है, zero to infinite कोई भी वैल्यू ये ले सकता है। तो range हमारे पास हो जाएगा, so range of f इस तरीके से ये कोई भी वैल्यू जीरो से इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू ये टेक ले सकता है। नाउ केस फोर स्टूडेंट, व्हेन एन इज नेगेटिव इमेजिनरी नेगेटिव और इंटीजर्स, केस फोर व्हेन एन इज नेगेटिव और इंटीजर, जब नेगेटिव और इंटीजर होगा स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, लेट्स लाइक y ओवर 2 fx इज इक्वल टू x टू द पावर माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5 और तब उस कंडीशन में हमारा ग्राफ बनेगा स्टूडेंट्स, आपको ये डायरेक्शन में लगेगा लेट्स लाइक दिस। इस टाइप से हमारे ग्राफ बनेंगे। तो इस कंडीशन में ये इसका ग्राफ है स्टूडेंट्स, इस कंडीशन में हमारे पास जो डोमेन हो जाएगा, अब डोमेन को भी एक्स के ऊपर कर दिया, ये भाई इसको पर नहीं कर रहा, नहीं पर भी एक्स के ऊपर नहीं कर रहा, तो जीरो को छोड़ के बाकी डोमेन हो जाएगा। तो डोमेन जो हो जाएगा इस कंडीशन में वो भी आर माइनस जीरो रहेगा। अब रेंज इसमें देखिए कहाँ से कहाँ तक जा रही है, तो रेंज यहाँ पर जीरो को छोड़ करके आप डाउनवर्ड की जा रही है, अपवर्ड की जा रही है हमारे पास, तो रेंज इसका पूरे का पूरा जीरो को छोड़ करके पूरा किया जाता है। सो स्टूडेंट्स जीरो को छोड़ करके, क्योंकि जीरो पे यहाँ पर भी ये यहाँ पर भी बाइक कट नहीं कर रहा है, तो बाई और बाकी नीचे ऊपर दोनों जा रहा है, इसका ग्राफ हाइट बढ़ रही है, बाकी नीचे भी, तो स्टूडेंट इसका भी रेंज जो है आर माइनस जीरो होगा। जीरो रेंज ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, दिस फंक्शन आर। सो दिस इज स्टूडेंट्स पावर ऑफ फंक्शन। नाउ स्टूडेंट्स मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन अ फंक्शन f such that a to b is called modulus function if f x is equal mod x. So mod x means x takes only positive value. ये मॉड होता है उसके अंदर, ये x के अगर माइनस के अंदर वैल्यू है तो ये पॉजिटिव है। तो इस तरीके से ये फंक्शन f से z वेयर मॉड x कैसे डिफाइन होता है, मॉड x इज इक्वल टू पॉजिटिव x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड नेगेटिव x व्हेन x इज लेस देन 0। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो फिर पॉजिटिव x रहेगा, और जब x की वैल्यू लेस देन 0 तो फिर नेगेटिव x हो जाएगा मॉड x। तो अब इसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनता है हमारा मॉडुलस फंक्शन का। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हमारे पास क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स है, एफ एक्स जब पॉजिटिव
फंक्शन y इक्वल टू x है, तो ये हमारे पास 45 डिग्री एंगल बन जाएगा पॉजिटिव एक्सिस से। तो पॉजिटिव एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बन जाएगी, ये हमारे पास y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है। x इज ग्रेटर देन यहां पर से जाएगा 0 से। अब अगर y x से लेस देन 0 है, देन हमारे पास जो नेगेटिव एक्स है, मींस y इक्वल टू माइनस x, मींस वो 135 एंगल बना रहा है इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। यहां से कितना बनाएगा y से 45, तो हमारे पास इस तरीके से ये 45 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया y इक्वल टू माइनस x, ये हो गया y इक्वल टू प्लस x, पूरा करके ग्राफ जो है इक्वल टू मॉड x हो जाएगा। ये हमारे पास कब लगता है, जब x इज लेस देन, ये हमारे पास टोटल जो हमारे पास फंक्शन होगा, ये पूरा ग्राफ है, ये चीज ये मॉड x का ग्राफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड x। यहां से आपको पहले क्या पढ़ना है, जो डोमेन होगा तो क्या हो जाएगा, सो डोमेन, अब x जो है कोई भी ले सकता है, रियल और जीरो, कोई भी रियल नंबर ले सकता है, जीरो पर इंक्लूड करते हुए कोई भी रियल नंबर ले सकता है। सो डोमेन ऑफ मॉडुलस फंक्शन इज इक्वल टू रियल नंबर्स आर एंड रेंज क्या हो जाएगी इसकी, सो रेंज ऑफ दिस फंक्शन रेंज मॉड एक्स का जो रेंज हो जाएगा, वो रेंज कहां से कहां तक जा रही है, यहां पर आप देख रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में ही जा रही है, तो जीरो टू इनफाइनाइट मॉडुलस फंक्शन प्लस बना देता है, इसीलिए स्टूडेंट्स इसका ग्राफ y से पॉजिटिव डायरेक्शन में, y पॉजिटिव देता है, जब y पॉजिटिव देगा तो इसका ग्राफ इस तरह बनेगा, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा x एक्सिस से ऊपर। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज defined as fx equal x upon mod x and x not equal to 0 and 0 and x equal to 0 or mod x upon x when x not equal to 0 and 0 when x equal to 0 is called सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स, सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स एंड डिनोटेड एज और रिप्रेजेंटेड एज सिग्नम एक्स। सो स्टूडेंट्स इस जो आपका सिग्नम फंक्शन होता है, सिग्नम फंक्शन जो कोई भी फंक्शन है एक्स, वो सिग्नम फंक्शन तभी कहलाता है जब वो इस टाइप का फंक्शन या प्लस थ्री रखते हैं, प्लस थ्री रखने पर अगर थ्री और थ्री वन आ जाएगा, माइनस वन और वन इससे मिलेगा,
यहां से सिर्फ जो है अभी वी फाइंड दैट माइनस 1 एंड 1 द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 एंड 1 एनी वैल्यू यू कैन पुट इन प्लेस ऑफ x अगर x की वैल्यू जीरो रखते हैं तो मान कुछ नहीं तो स्टूडेंट इन केस इसका ग्राफ कैसा बनेगा इसका जो ग्राफ बनेगा वो हमारे पास माइनस 1 और प्लस 1 के बीच दिस इज प्लस 1 एंड दिस इज माइनस दिस इज 0 तो यहां पर जो 1 वाला पॉजिटिव वन रखते हैं या कुछ भी x की वैल्यू रखते हैं x की वैल्यू रखते हैं पॉजिटिव वैल्यू x की वैल्यू पॉजिटिव रखने पर ये वैल्यू पॉजिटिव ही है तो x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 रखते हैं ग्रेटर देन 0 रखते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम इसको दूसरे तरीके से लिखें fx इक्वल टू पॉजिटिव x आ जाएगा पॉजिटिव x आ जाएगा व्हेन पॉजिटिव ओपन बन जाएगा व्हेन दिस बाहर आ जाएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 आ जाएगा व्हेन x इज इक्वल टू 0 और माइनस 1 आएगा व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो इस तरीके से ये सिग्नल फंक्शन इस टाइप से 1 और माइनस 1 के बीच के जब x की वैल्यू पॉजिटिव हो और 2 x की कोई वैल्यू ले लेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू होगी y इक्वल टू 1 अब हमारे पास जब x की वैल्यू हम नेगेटिव लेस देन 0 लेंगे तो माइनस 1 पे ही रहेगा y तो लेस देन 0 पर कोई वैल्यू ले सकते कोई भी x की वैल्यू तो यहां पर ये ऐसे ये y इक्वल टू माइनस 1 तो अब ये हमारे पास 0 वैल्यू ये हमारे पास ये इसका रेंज ऑफ f is equal to minus 1 0 ये 3 पॉइंट होंगे ये 3 पॉइंट्स सिर्फ हमारे पास रहते हैं बाकी डोमेन इसका पूरा रियल नंबर x can take every value of real numbers but y can take only minus 1 0 1 you can put any value of x then you found the only minus 1 0 and 1 this type of function is called signal function तो ये हमारे पास signal function होता है Now, greatest integer function or step greatest integer function greatest integer function or step function और इंटीग्रल फंक्शन फंक्शन एक्स सच दैट ए टू बी इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन if it is in the form fx equal to this symbol is greater than the other function symbol where x means x can take less than integer value less than or equal to x इस टाइप का फंक्शन हमारे पास बैठे हैं फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन दिया है 2.302 fx तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है यहां 2.3 तो इसमें क्या होता है x can take इंटीजर वैल्यू लेस देन और इक्वल टू x तो यहां पर x ये है क्योंकि यहां पर ये सिंबल है कि x है अब ये इंटीजर वैल्यू क्या होता है इससे या तो इसके इक्वल रहे या तो फिर इससे लेस हो जाए लेकिन इंटीजर होना चाहिए तो फिर इससे लेस होने के लिए इंटीजर क्या आएगा 2 आएगा तो ये आंसर आएगा तो यहां पर जो इसकी वैल्यू आएगी इनपुट 2 आ जाएगी सिमिलरली आप यहां पे कहीं पे लिखा हो -1.03 तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होगा वो हमारे पास -2 लेस देन ऑल इक्वल टू
जो लेस है इससे लेस है तो इसके लेस है क्या हो जाएगा माइनस वन से लेस है माइनस टू आएगा। इसका इस तरीके से ये जो हमारे पास इस टाइप के फंक्शन होते हैं वो हमारे पास, तो अगर कोई मान हमारे पास x अगर इफ x लाइज बिटवीन n n n प्लस 1 n और n प्लस 1 के बीच रहता है वेयर n इज एन इंटीजर, तो हमारे पास जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x आएगा n, ये n इंटीजर्स है, तो अगर हमारे पास ग्रेटेस्ट n बिलोंग्स टू इंटीजर्स n बिलोंग्स टू इंटीजर्स है तो ये हमारे पास ग्रेटेस्ट फंक्शन कितना आएगा लेस वाला लगाते हैं लेस वाला इंटीजर लगाते हैं। ये अगर फ्रैक्शनल पार्ट को फ्रैक्शनल पार्ट या इंटीग्रल पार्ट ऑफ x को इंटीग्रल पार्ट ऑफ x भी बोलते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां पर इंटीजर वाला पार्ट ही लिखा है। अब ये देखना है कि लेस देन और कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। इस टाइप का फंक्शन होता है वो हमारे पास जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाता है। अब आप समझ गए होंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। नाउ स्टूडेंट्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स इस कॉल्ड जीरो से इनफाइनाइट हो जाएगा। आप देख रहे हैं
y की वैल्यू कहां से कहां जा रही है, यहां पर y की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट होगा और रेंज जो हो जाएगी वो रेंज जो हो जाएगी उसकी टोटल रियल नंबर r प्लस पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि डोमेन x की वैल्यूज होती है और x की वैल्यूज यहां पर आप देख रहे हैं कहां से कहां तक जा रही है, इसकी वैल्यू x की वैल्यूज यहां पर ये यहां से निकल रही है, ये हमारे पास के सामने जो पंक्ति से लेकर के आपका और इनफाइनाइट तक सॉरी 0 क्योंकि यहां पर 0 इधर से बस करा 0 से लेकर के इसलिए ओपन कर रहा है, तो 0 से लेकर के पॉजिटिव इनफाइनाइट x ले सकता है, लेकिन और जो रेंज हो जाएगी वो रेंज सिर्फ पॉजिटिव r प्लस हो जाएगी, क्योंकि यहां पर ये रेंज इधर इधर इसी में रहेगा, तो 0 से r प्लस हो जाएगी, रियल नंबर पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएगी। ये हमारे पास बात होती है स्टूडेंट्स। Now students, very most important part, inverse mapping or inverse mapping. Inverse mapping or inverse function. So students, if f such that a to b is a 1-1 and on 2 mapping or function, students, अगर f एक a से b में 1-1 भी हो, मैं बता चुका हूँ, and on 2 भी हो, mapping a से b में, then f inverse such that b to a is called inverse mapping or function of ये जो f इनवर्स है इस f का क्या होगा, इनवर्स में भी क्या इनवर्स फंक्शन होगा b से a, अगर f a से b है तो इनवर्स b से a में होगा। तो उसको क्या लिखते हैं, f such that a to b is defined such that fx equal y, fx equal y means 1-1 b or 2 b है, then f इनवर्स b to a is defined as f inverse y equal to x. Order pair in form of order pair in form in if f is equal to b, this given f is equal to x comma y such that x belongs to a, y belongs to b, then f inverse is equal to y comma x such that x belongs to a and y belongs to b. So this is our class inverse mapping हो जाएगी। ग्राफ के फॉर्म में इसको अगर इसको क्लियर करें, अगर ग्राफ के फॉर्म में ग्राफ को फॉर्म में क्लियर करना चाहिए, देखिए स्टूडेंट्स ग्राफ को कैसे क्लियर करते हैं। यहाँ पर अगर ये हमारे पास मैपिंग है, this is b, 1 2 3 4 5 6, so ye hamare paas this is mapping f, yeah you can see this is 1-1 and also 1-2 because na koi variable aisa nahi hai jo jis par ye dikha rahe hai, to 1-1 bhi hai aur 2 bhi hai, so hamare paas f inverse ho jayega, f inverse kaisa ho jayega, so this is 2 4 6, 1 2 3, this is b, this is a, so yahan se aapke f inverse ho jayega, to तो यहां से जो हमारे पास मैपिंग हो जाएगी, ये हमारे पास जो होगी कि f इनवर्स, दिस इज f इनवर्स, दिस इज इनवर्स इनवर्स। तो यहां पर कुछ चीजें नोट करने वाली बात होती है स्टूडेंट्स, इनवर्स हमेशा यूनिक होता है, किसी फंक्शन का इनवर्स होता है, नोट मत करो, इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन is unique
Second, F inverse is exist only when F is 1-1 and on 2. And number third, domain of F is equal to domain range of F inverse. And range of F equal to domain of F inverse. So students, this is your last domain. The inverse of क्या होती है? Inverse अगर F A से B में एक one one or two में ठीक है, one one और two होना चाहिए तभी inverse possible है. Inverse find out, inverse find out, inverse find out करने की condition है ये कि function one one on two होना चाहिए. तभी function inverse होगा. Otherwise inversible नहीं. So students, these are some